बंगाली रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे बंगाली फिश करी, जिसे माछेर झोल कहते हैं। ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही लाजवाब बनती है, बनाना बहुत आसान है। इसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, जिसे आप आसानी से फॉलो कर पाएंगे। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस रेसिपी के लिए हमें आधा किलो मछली चाहिए, तो यहाँ पे आप कतला या रोहू फिश कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कतला फिश ले ली है, तो सबसे पहले इसे मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे ऐड किया मैंने 1/4 छोटी चम्मच नमक, थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी पाउडर और अच्छी तरह से इसे रब करते हुए मैरिनेट कर लेंगे। तो स्प्रिंकल कर दिया और यहाँ पर इसे अच्छी तरह से रब कर दिया मैंने। इसे साइड में रख देते हैं लगभग 15 मिनट के लिए। इस बीच हम दूसरा प्रिपरेशन करेंगे। साथ ही हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे इस तरह से मोटे टुकड़ों में आपको काट लेना है पील करने के बाद। अब एक मसाला पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ले ली है, जिसमें से यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, 6 से 7 कली लहसुन, 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का, 1 हरी मिर्च और 1 बड़े साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिया है। इन सबको एक साथ मिला के हमें ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाएंगे इस तरह से, देखिए। अब पेस्ट बनाने के बाद अब हम मछली बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मछली और आलू को फ्राई करेंगे, जिसके लिए एक पैन में मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। तेल में जैसे ही धुआं आने लगे, तब हम इसमें मछली के पीसेज ऐड करेंगे, जिसे हमने मैरिनेट करके पहले से रखा था। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई के बीच रखिए। मछली को अगर आप कम आँच पर फ्राई करेंगे तो वो टूटने लगती है। तो यहाँ पर सारे पीसेज ऐड कर दिए मैंने, 1.5 से 2 मिनट तक इसे फ्राई होने दीजिए, फिर हम इसे फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सा लेयर बन जाता है इसके नीचे। तो यहाँ पे सबको फ्लिप कर देते हैं। लगभग 1.5 मिनट के बाद मैं सबको फ्लिप कर रही हूँ। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, तो पकने देते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए लगभग 2 मिनट हो गया है, दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है, ये देखिए। तो अब हम सारे पीसेस को बाहर निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा इसे फ्राई कर सकते हैं, अगर आपको क्रिस्पी मछली खाना अच्छा लगता है तो। अब इसी तेल में हम आलू को फ्राई करेंगे, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आलू को हमें लगभग 70-80% तक डन करते हुए फ्राई करना है, तो गैस का फ्लेम मीडियम रखिए यहाँ पे। अब एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और एक साइड इसे लगभग 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई होने दीजिए, फिर हम इसे फ्लिप करेंगे। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए सबको मैंने उलट पलट कर दिया है इस तरह से, और लगभग 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो दूसरी साइड भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे, तो फ्लिप कर दीजिए सारे पीसेस को। और ये सारा प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबको फ्लिप कर दिया मैंने। तो आलूओं को फ्राई करने में आपको हार्डली 8 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो बाहर निकाल लेते इसे तेल से। अब हम ग्रेवी बनाएंगे, तो सेम तेल का इस्तेमाल कीजिए जिसमें मछली और आलू को आपने फ्राई किया है। तेल हमारा पहले से गर्म है, तो इसमें ऐड कर दिया 1 छोटी चम्मच कलौंजी। कलौंजी जैसे ही भुन जाए, इसमें डालेंगे 1/4 कप स्लाइसेस में कटे हुए प्याज। प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक भून लीजिए मीडियम फ्लेम पर। तो एक बार मिला लेंगे अच्छी तरह से, तो लगभग 1/2 मिनट में ही आप देखेंगे प्याज अच्छी तरह से भुन जाएगा। तब डालेंगे इसमें मसाला पेस्ट जो हमने बना के तैयार किया था। मसाला पेस्ट डालने के बाद जल्दी से इसे मिक्स कर लीजिए, नहीं तो ये तेल में छिटकने लगता है। मिलाने के बाद हम इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक बंगाली रेसिपी है, जो डेली बेसिस के तौर पे वो बनाते हैं। बहुत ही लाइट ग्रेवी होती है इसकी। तो यहाँ पे ऐड किया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही यहाँ पे ज़ीरा पाउडर। अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, मैंने 1 छोटी चम्मच ऐड की है। सबको अच्छी तरह से मिला लीजिए। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे हमें कवर करना है 5 मिनट के लिए। इसे धीमी आंच पे ही भूनिए। तो इसे हम कवर करते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग ना हो जाए। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर दिया मैंने, 5 मिनट हो गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मॉइस्चर है इसमें, अभी भी मसाला हमारा पूरी तरह से भुना नहीं है। तो फिर से हम कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए और हम फिर चेक करेंगे। तो इसे कवर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गया है, तेल थोड़ा सा अलग हो रहा है इसमें से। अब हम इसे बिना कवर किए हुए तब तक भुनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। तो मसाले को भुनने में कम आपको
14 से 15 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मसाले का टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो गया है और इसमें से तेल पूरी तरह से अलग दिख रहा है और टेक्सचर देखिए काफ़ी स्मूथ है। इस स्टेज पे आप इसमें आलू ऐड कर दीजिए और इसे लगभग एक मिनट तक भूनिए। इससे आलूओं के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है मसाले का। तो एक मिनट भूनने के बाद अब इसमें पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। तो ये ग्रेवी थोड़ी सी पतली बनती है, इसके लिए यहाँ पे 2 कप पानी ऐड किया मैंने, तो ये 2 कप गया। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम आप मीडियम टू हाई के बीच कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, तो मिला दिया है मैंने, बॉयल आ गया। तो इसे कवर कर देते हैं लगभग, तो लगभग 5 से 6 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि आलू पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए, इतने में ग्रेवी भी पूरी तरह से पक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लगभग 7 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है, ग्रेवी का कलर आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब आया है और आलू देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो रहा है, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई फिश और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से ग्रेवी के अंदर डिप कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक और पका लेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा मछली को नहीं पकाना है हमें, नहीं तो वो टूटने लगेगी। ग्रेवी हमारी पूरी तरह से पक चुकी है आलूओं के ही साथ, तो मछली के साथ ग्रेवी को पकाना नहीं है। तो यहाँ पे लगभग 2 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि ग्रेवी के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आए, और मिक्स करने के बाद इसे कवर कीजिए और तुरंत गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। इसके बाद हम इसे नहीं पकाएंगे, तो यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और 10 मिनट के बाद आप इसे सर्व कीजिए। इतना स्टैंडिंग टाइम इसे देना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है और आप देख सकते हैं कितना शानदार कलर आया इसका, ये देखिए, और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। तो बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत लाइट बनती है, तो बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।